शादी के बाद था दूल्हे के घर रिसेप्शन, तो हम लोग गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ उनका बहुत अच्छा डांस और ग्रैंड एंट्री, और यहाँ पे किया हमने फोटोशूट और थोड़ा सा गपशप। तो हम निकल गए थे 2 घंटे की दूरी पर से बस से हम लोग रिसेप्शन के लिए, और मैंने किया बस में जाकर मेकअप, और फिर फाइनली मैं हो गई रेडी और हम लोग जा रहे थे। और ये देखो हमारी परछाई है, हम तो दिखा नहीं पाते थे। तो फिर हम लोग गए अंदर, तो अंदर जाते ही वहाँ पे हो रहा था दीदी और जीजू का दोनों का फोटोशूट। फिर हम लोग गए वहाँ से अंदर, तो उन लोगों की हुई एंट्री ग्रैंड वाली एंट्री, बहुत अच्छा लग रहा था उनकी एंट्री देखकर। वहां पर भी किया उन्होंने धुआंधार डांस, बहुत अच्छा लगा। उनका भी डांस काफी अच्छा था और काफी एंजॉयफुल था। और जो दीदी का रिसेप्शन का गाउन था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ में यहाँ पर स्टार्टर आ गया था, तो मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया बिकॉज हम लोग उतनी दूर से आए थे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो फिर मैंने लिया इसको और फिर मैंने खा लिया थोड़ा सा स्टार्टर। फिर मैंने ये मंचूरियन स्टार्टर था, तो मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत टेस्टी लगा, एक्चुअल में बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पे आने ही थोड़ा मस्ती कर रहा था बिकॉज वहाँ पे चल रहा था डीजे। फिर फोटोग्राफर ने मेरी थोड़ी फ़ोटो खींची, उसका भी मैंने कर लिया थोड़ा सा क्लिप। और फिर मम्मी और भूषण दीदी के साथ थोड़ा सा फोटोशूट कर रहे थे, और ये ऑफिस की लड़की आई थी तो उनके साथ हम लोग बात कर रहे थे। और फिर मम्मी भी आ गई थी रिसेप्शन में, उसके बाद मैंने किया बाहर जाकर थोड़ा सा फोटोशूट। फिर मम्मी और यश सब लोग आ गए थे शादी में, दीदी वगैरह, तो उनके साथ भी मैंने अच्छा सा फोटोशूट किया। और ये मेरा था फाइनल लुक, जैसा मैंने थोड़ा आउटफिट दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से एक दीदी चली गई। और फिर भूषण अकेले अकेले बेचारे यहाँ खाना खा रहे थे, मेरे लिए वेट भी नहीं किया। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, तो फिर वो खुद ही दोनों प्लेट पकड़ के पलट गए। मैंने बोला रुको मेरे लिए, मैं खाना ला रही हूँ। फिर उसके बाद मैं गई खाना लाने के लिए, तो फिर मैंने देखा था वहाँ पे था नॉनवेज की सब्ज़ी, तो फिर मैंने सब कुछ परोस लिया। और हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने बोला चलो खाते हैं पहले। तो फिर मैंने ये निकाल लिया यहाँ पे नॉनवेज, और फिर लिया चावल और एक रोटी। हंसते हंसते मैंने बोला क्या बात चल रही थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी। फिर उसके बाद मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत तीखा था, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो फिर उसके बाद मैंने खाया, और ये मेरा वीडियो क्यों शूट कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था, फिर मुझे याद आया कि ये बैकग्राउंड का शूट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने खाया ये रसमलाई, जो काफ़ी डिलीशियस दिखने में थी, उतनी लग भी रही थी। फिर मैंने नीलिमा दीदी को भी एक बाइट खिलाया, तो वो बोले वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी हमारे वहाँ पे भी एक जन चला गया मेरे हमारे सामने से। उसके बाद मैंने नूडल्स और मंचूरियन खाया, तो मंचूरियन आ ही नहीं रहा था, फिर फाइनली मैंने इसको खा ही लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मम्मी जी के साथ भी थोड़ा सा खाना खाया, और फिर खाया मैंने आइसक्रीम, वो भी बहुत टेस्टी थी। फिर पता नहीं वो कौन सी दीदी थी, तो उन्होंने मेरे हाथ पर की चुन्नी उठा के वहाँ पर रख दी। फिर भूषण भी आ गए थे और हमारे पूरे टीम के साथ हमने लिया फोटो। और उसके बाद यहाँ पर जीजाजी खाना खा रहे थे, और ये भूषण पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो शूज़ निकाल के उनके शायद कंकड़ चला गया उनके शूज़ में। तो फिर मुझे लेकर गए ये लोग डांस करने के लिए, जो वो प्रियंका दीदी थी। तो फिर हम लोग ने किया बहुत सारा डांस, फिर मैंने भूषण को भी लेकर आया। पता नहीं हम लोग यहाँ पर क्या गपशप कर रहे थे, तो कुछ तो भी बातें चल रही थी हमारी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बता रही थी दीदी। फिर भूषण भी आ गए थे, और भूषण के साथ भी किया हमने बहुत सारा डांस यहाँ पर। और फिर फाइनली हमारा टाइम हो गया घर जाने का, तो फिर मैंने बोला दीदी को बाय बाय। इस बार तो हमने हंसते हंसते विदाई में तो बहुत रोए। उसके बाद हम लोग चले गए हमारी बस से जाने के लिए, घर जाने के लिए बाहर। फिर घर आने के बाद रात को 1:30-2 बजे भी ये दोनों मस्ती कर रहे थे, आर्निक और भूषण। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय बाय।